अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग हैं बालाड़ी मंडी में। आप लोग देख रहे हैं उदयपुर की दस्ती पकड़े अनंत बकरे हैं। ये बकरे 7-8 महीने के बच्चे हैं अभी। क्वालिटी एक देख सकते हैं आप, एक नंबर। बालाड़ी में अभी इस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ बालाड़ी में। आज हम लोग आए थे बालाड़ी, आज मंडी थोड़ी हल्की लगी थी, माल काफ़ी कम आया था और रेट भी काफ़ी ज़्यादा थी आज माल पे। हम बच्चों की डिटेल्स पूछेंगे और रेट के बारे में जानेंगे क्या रेट चल रहा है ऐसे बच्चों का। फ्रेंड्स, ऐसे इस टाइप के बच्चे आपको 13-14 हज़ार की रेट से यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वालिटी देख सकते हैं आप बच्चों की, और कुछ माल आया है बीटल का भी, बीटल का भी दिखाएंगे हम आपको। बीटल का भी यहाँ पर माल आ जाता है कभी कभी, देख सकते हैं आप बीटल का पूरा लॉट। ये पूरा शानदार लॉट देख सकते हैं आप बीटल में, 5-6 महीने वाली फीमेल है सारी। पूरे लॉट है इसका, देख सकते हैं आप बीटल में छोटी फीमेल्स। वजन है इनका 15 केजी की फीमेल है इसमें, और 10-8 किलो वाली भी फीमेल है। ये पूरा लॉट है देख सकते हैं आप, 4000 की रेट से बिका हुआ इस टाइप का माल यहाँ पर काफ़ी आता है। पूरा लॉट है बहुत ही शानदार, वाला एडी में खड़ा है सर। वीडियो के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको और डिटेल्स बताते हैं। देख सकते हैं आप ये तोतापुरी के मेल, काफ़ी यूनिक बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये तोता गुजरी की फीमेल माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फीमेल है, सब हेल्दी, सब 51 फीमेल हैं, एक नंबर क्वालिटी। गुजरी थोड़ा उम्र ज़्यादा है इनकी, पर फीमेल क्वालिटी में अच्छी है, दूध के लिए दूध काफ़ी अच्छा है। एक बकरी के अंदाजा रेट बताओ कितनी है? एक ले वो बस ना, एक की एक अंदाजा बता दो मैं दिखा दूँ भाई। बकरी में 25-25 हज़ार रुपये, बकरी की बकरी 10-12 हज़ार का भाव भी दे दूँ एक आध बकरी। अच्छा तो हाँ, 15-16 कम ना है एक बकरी का। 15-16 हज़ार की रेट से इसमें कोई भी बकरी कमती नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बकरियाँ हैं दूध की। आप देख सकते हैं दूध का रास्ता, तो इनका आर्डर है काफ़ी बड़ा आर्डर है दूध की है, सभी सब बकरियाँ 3 लीटर 4 लीटर ऐसा दूध होगा इनमें सब। थोड़ा पुरानी बकरी है पर बकरी अच्छी है, पर इतनी पुरानी बकरी आप लोग ना खरीदें, क्योंकि पुरानी बकरी हम पालेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। नई बकरी से ही अपना जो है स्टार्टिंग करें, नई बकरी जो अच्छी रहती है। पुरानी बकरी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है, और 1-2 साल वाली बकरी जब खरीदते हैं हम तो उसको रखने का भी उम्मीद रहती है, 2-3 साल रखने का। तो जो है कि ये पुरानी फीमेल्स हैं, आप लोग पुरानी बकरी ना ख़रीदें और बालाड़ी आएँ। बालाड़ी बकरी मंडी मंडे के दिन लगती है राजस्थान में, महुआ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर है। आप आके विज़िट कर रहे हैं, माल काफ़ी अच्छा आता है। आज के दिन जो मंडी लगी थी थोड़ा हल्की थी, पर रेट काफ़ी हाई था यहाँ पर, क्योंकि ये मंडी काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, इस वजह से यहाँ पर कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है माल जो है अभी कम आ रहा है। अभी जो है गर्मी भी कम है, गर्मी के टाइम ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पर, तब माल यहाँ पर निकलता है। तो आप लोग यहाँ ज़रूर विज़िट करें इंशाल्लाह। ये मंडी काफ़ी बड़े एरिया में लगती है, बिल्कुल हाईवे पर ये मंडी लगती है। भरतपुर से भी काफ़ी आसान आ सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं इस मंडी के, आप लोग आके यहाँ विज़िट करें एंड देन आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर। ये था हमारा कुछ छोटा सा अपडेट्स।
एंड देन आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, आप तक लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। देख सकते हैं आप, मंडी ख़त्म सी हो गई है। अभी टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 बजे हैं अभी। माल सब ख़त्म हो गया है, माल ही बहुत कम आया है यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।